नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने सीरीज बिहार दर्शन में। और आज इसका कड़ी नंबर 18 है। और आज के सेशन में हम लोग एक और बिहार के खूबसूरत से जिले को कवर अप करने जा रहे हैं, और वो है हमारा प्यारा जिला किशनगंज। किशनगंज जिला जो कि बिहार के सबसे पूर्वोत्तर जिला होने का गौरव हासिल है इस जिले को। साथ ही साथ यह बिहार का वह जिला है और इकलौता ऐसा जिला जो नेपाल और बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं किशनगंज जिले को। सबसे पहले आप लोकेशन में देखिए, दिस इज द किशनगंज जिला। अगर आप देखेंगे पाएंगे तो यहां पे बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और यहां पे नेपाल, और साथ ही साथ यह बहुत ही फेमस चिकन नेक जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है उसका भी यह हिस्सा नजर आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है बिहार के पूर्वोत्तर जिलों में, सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पे होती है। किशनगंज जिला अगर देखा जाए तो पूर्णिया डिवीजन में पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखना है, पूर्णिया डिवीजन में पड़ता है। 14 जनवरी 1990 को पूर्णिया जिले से अलग होकर के एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित और भारत के मानचित्र पर चिकन नेक का एक हिस्सा है जिसको फेमस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इसकी नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पश्चिम बंगाल की 20 किलोमीटर की भूमि एक संकीर्ण पट्टी किशनगंज जिले को बांग्लादेश से, आप देख सकते हैं कि यहां पे बिल्कुल एक 20 किलोमीटर का छोटा सा पट्टी है जो बांग्लादेश से इसको अलग करती है। साथ ही साथ किशनगंज बिहार के अररिया और पूर्णिया जिलों के साथ साथ उत्तर में दिनाजपुर और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर में नेपाल के साथ घिरा हुआ है। यहां की नदियों की बात करते हैं तो महानंदा जो कि आपके हिंदी और बंगाली भाषाओं के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है, कनकई, मिच्ची, इसके अलावा ड्विंगटन, रतुहा और सुधानी नदी यहां पे आप सब लोग को मौजूद नजर आ जाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मुगल काल के दौरान किशनगंज के नेपाल का एक हिस्सा था और नेपालगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस पर मुगल बादशाह शाह आलम ने कब्जा किया और उनके सम्मान में इसका नाम बदल करके आलमगंज कर दिया गया। और यह भारत के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक है क्योंकि इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है और यह बांग्लादेश के बहुत करीब है। साथ ही साथ बिहार का वह जिला जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी आप सब लोगों को नजर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किशनगंज टाउन हो जाएगा। यहां पे एक सब डिवीजन और साथ ही साथ हमारे 101 सब डिवीजनों में से एक सब डिवीजन और 534 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉक, यहां पे 126 पंचायत, 771 गांव और एक लोकसभा किशनगंज और 4 विधानसभा सीट्स यहां पे मौजूद नजर आ जाते हैं। औसत वर्षा की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा औसत वर्षा किशनगंज जिले में ही होती है और साथ ही साथ मॉनसून का प्रवेश भी किशनगंज जिले में ही होता है। 225.2 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो कि बहुत ज्यादा अत्यधिक वर्षा है। साथ ही साथ खादर तराई मिट्टी यहां पे नजर आती है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, खादर मिट्टी, नई जलोद मिट्टी, बारिश अच्छी खासी होती है। जनसंख्या घनत्व 897 प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, जनसंख्या वृद्धि 30.4 जो कि बहुत ज्यादा बिहार के औसत एवरेज से ज्यादा, लिंग अनुपात 950 प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, साक्षरता दर 55.5, पुरुष साक्षरता दर 63.7, महिला साक्षरता दर बहुत ही कम 46.8। सूरजपुरी, मैथिली, हिंदी, बंगला, उर्दू यहां की बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। साथ ही साथ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट यहां पे 556, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज 2, कृषि आधारित जूट और जूट आधारित लकड़ी, साथ ही साथ चाय का खदान यहां पे, जो चाय की हमारी खेती भी यहां होती है ठाकुरगंज में, इस चीज को ध्यान रखना है, ठाकुरगंज में चाय उद्योग भी है। साथ ही साथ धातु आधारित विद्युत मशीनरी मरम्मत और सर्विसिंग आधारित उद्योग यहां पे प्रमुख है। किशनगंज का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, कृषि में ज्यादातर लोग निर्भर हैं। खरगा और आपके भेरिया डांगी में 2 औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है और यह बिहार का इकलौता चाय उत्पादक जिला है और यहां के ठाकुरगंज में चाय उत्पादन आपको देखने को नजर आती है। साथ ही साथ ONGC द्वारा जिले के कोचा धमन और बहादुरगंज प्रखंड में एक एक तेल भंडार का पता लगा है और बिहार सरकार ने कोचा धमन ब्लॉक के अंतर्गत नरकाली में लगभग 3.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और आवंटन 3 साल के लिए अवधि के लिए ONGC को दिया है, जहां से यह आने वाले वक्त में हमें तेल भी दिखता हुआ नजर आ सकता है। जिले में कई स्कूल और कॉलेजेज हैं। यहाँ की शिक्षा की बात करते हैं लेकिन 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि जानी मानी प्रख्यात विश्वविद्यालय है भारत का, जो मार्टी यूनिवर्सिटी है, किशनगंज में अपना एक परिषद की आधारशिला रखा है, इस चीज को भी आप सब लोगों को ध्यान रखना है। तो अलीगढ़ का एक सेंटर जो है यहाँ पे आप सभी लोगों को मौजूद नजर आ जाता है।
साथ ही साथ यहाँ पे हेरिटेज की बात करते हैं तो माँ काली मंदिर, ओरदा घाट, साथ ही साथ श्री दिगंबर जैन मंदिर यहाँ के मुख्य हेरिटेज है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मजारे कदम रसूल का आपके मजार, साथ ही साथ कैथोलिक चर्च, बीराजन सूर्य मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर यहाँ की प्रमुख विरासतों के रूप में या परुत विरासत पर्यटन के रूप में हमें देखने को नजर आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे किशनगंज जिले को कवर अप किया। मैं उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को इस सेशन से मिला हो और आप ऐसी हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े रहिए और अगली बार वापस से हम मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ, एक और नए खूबसूरत से बिहार के जिले के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय, टेक केयर, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।